हम आपको ऐसे शख्स से मिलाने वाले हैं जो काफ़ी टाइम से यहाँ पर बहुत मेहनत से वो यहाँ पर रहते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। वो असल में यूपी के गोरखपुर के एक ज़िले में रहते थे और वहाँ पर उन्होंने अपने बचपन के ही टाइम पे वहाँ छोड़ दिया था अपना घर बार और अब पौड़ी गढ़वाल के बैजरो के जीवई गांव में रहते हैं और काफ़ी मेहनत से अपना जीवन यापन करते हैं। तो आइए उनसे हम बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि कैसे उन्होंने अभी तक जो यहाँ पर टाइम स्पेंड किया अपना, कैसे उन लोग यहाँ पर रहते थे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं सीधे, कुर्सी में बैठ जाइए। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम कमल सिंह थापा। अच्छा, आपका नाम कमल सिंह थापा है। तो थापा जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं गोरखपुर को रहने वाला हूँ। अच्छा, तो थापा जी, सबसे पहले आप कब आए थे यहाँ पर और किस काम की तलाश में आप यहाँ पर आए थे? मैं तो किसी के साथ में आया था, वो चले गया जी मेरे को छोड़ के। अच्छा, कोई नेपाली था ना? हाँ, कोई नेपाली मेट था। हाँ? उसने उसी के साथ में आया था मैं। हाँ? वो भाग गया वो यहीं फरसाड़ी से। अच्छा, आते हैं मेरे यहाँ में अकेले। तो कितने साल की उम्र में आप यहाँ आए थे? मैं आया था जी 20 साल की उम्र में आए थे। अच्छा, 20 साल की उम्र में आए थे। तो सबसे पहले आप क्या कैसे कैसे रहे, कैसे कैसे आपने गुजारा चलाया अपना, सब कुछ बताइए थोड़ा। इससे पहले तो मैं उत्तरकाशी रहा जी। हाँ? वो 3 साल तक रहे मैं उत्तरकाशी में। अच्छा अच्छा। हाँ जी, उसे डेयरी मजदूरी करते रहा। अच्छा अच्छा। तो उसके बाद में फिर फौजी वालों के साथ में लग गया 1.5 महीना। अच्छा, फौजी वालों के साथ। हाँ जी। और अब? तो उसके बाद में फिर छोड़ करके। हाँ? एक कटान चिरान वाला ठेकेदार आया था ना। अच्छा, अच्छा। मालदारी। हाँ? उसके साथ में तब फिर कटान चिरान के काम करा। हाँ जी। तो कितना क्या क्या काम आप जानते हैं, क्या क्या आपको आता है काम, कैसा कैसा आप काम करते हैं वो भी बताइए। कैसे बताए, किसको बताएं? और क्या क्या काम आप करते हैं, क्या क्या कैसे कैसे आप काम करते हैं, कैसे कैसे आजीविका चलाते हैं, कैसे कैसे काम? तो मैं सब करता हूँ, मैं मिस्त्री काम भी, कभी मिस्त्री काम नहीं मिला तो डेहरी मछरी करता हूँ जी। अच्छा अच्छा। हाँ जी, कभी तो, बैठे रहता हूँ जी। अच्छा, तो कितना मीन्स कितने मकानों पे आप काम कर चुके हैं? हाँ, मकान में भी काम करता था पहले था जो। तो कितने टोटल लगभग याद होगा आपको, कितने मकानों में आपने काम किया हुआ है? कोई हिसाब नहीं जी, कोई ठेकेदार खा के भाग गया, कोई मर गया। हाँ, हाँ जी, पैसे नहीं दिए उन्होंने। हाँ? कोई मर गया, कोई खा के भाग गया जी। हाँ? आज जब तब मैंने तब ठेकेदार के साथ में काम करना छोड़ दिया मैंने। अच्छा। हाँ जी। तो ये जो अभी कोरोना काल चल रहा है, जैसा कि आपको पता है, तो लॉकडाउन में आपने क्या क्या कैसे कैसे अपना आपका गुजारा किया आपने, और कैसे कैसे आपने मीन्स बहुत दिक्कतें होंगी, बीच में काम बंद हो गया होगा, कैसे कैसे किया आपने? दिक्कत तो अब कभी तो दिक्कतें हो रही थी ना, कभी तबीयत खराब हो जाने बैठ जाता। हाँ, तब कभी काम नहीं मिला तो बैठ जाते बस। हाँ जी, क्या करें, कहाँ जाना आज। हाँ, तो जैसे कोरोना हो रखा था, अभी लॉकडाउन चल रहा था, तो कैसे कैसे आपने किया फिर उस टाइम पे कोरोना के, जब अभी 2-3 महीने पहले जब काम बिल्कुल बंद हो चुका था? उसके बाद में जी 2-3 जगह में काम किया मैंने। हाँ? एक जगह क्या है 8-10 दिन। हुँ? एक जगह में क्या 4 दिन। हुँ? तो उसके बाद में फिर बंद हो गया, फिर बैठ गया मैं। अच्छा, तो कोरोना की वजह से कुछ परेशानी हुई आपको? ना ना, परेशानी नहीं है। अच्छा। तब उसके बाद में अब आजकल थोड़ा दिन बैठ गया था। अच्छा। 10-12 दिन बैठ गया था। हाँ। फिर यहाँ पंडित जी के यहाँ लग गया। हाँ। फिर कल परसों दो तीन दिन का काम नीचे है बस। अच्छा। हाँ जी। तो एक दिन की दिहाड़ी लगभग आपको कितनी मिल जाती है? कोई 500 देते हैं, कोई 400 देते हैं। हाँ। ऐसे बस। हाँ। अच्छा अच्छा, तो मतलब आप
दोनों टाइम करते हैं या केवल सुबह एक टाइम पे करते हैं काम? काम है हाँ, सुबह से शाम तक 6 बजे तक। अच्छा अच्छा, और ठेका खुद ही लेते हैं आप काम का? हाँ जी। अच्छा, अभी जो ये आप यहाँ पर काम कर रहे थे तो इसका कितना ठेका था ओवरऑल? ठेका नहीं है। तो ये किस बेस पे है? अच्छा, तो फाइनली हम ये बात कर लेते हैं, तो आप अपने गांव जो आप बता रहे हैं गोरखपुर, तो आप वहां जाना चाहते हैं? तो कितनी दूर होगा यहां से गोरख अपना गांव आपका? मेरा कम से कम ये गोरखपुर से करीबन 12 बजे तक, 11 बजे में घर पहुंचेंगे। अच्छा, अगर सुबह चलेंगे तो? हाँ, बस में बैठ गया तो 11-12 बजे में घर पहुँचूँगा। अच्छा अच्छा, तो मतलब आपका कब का प्लान है, कब आप जाना चाहते हैं, क्या 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 करना चाहते हैं वहाँ, कौन कौन है फैमिली में? अब क्या करना चाहते हैं, यहाँ साथ में कोई साथ वाला नहीं मिल रहा ना। हाँ। जाना तो चाहता था मैं। हाँ। घर में। हाँ। अब कोई गांव के आदमी कोई नहीं मिल रहा। अच्छा, तो फैमिली में कौन कौन है वहाँ पर? हाँ। परिवार में कौन कौन है वहाँ पर? परिवार में कोई नहीं। अच्छा। मेरे माँ है। हाँ। मेरे पापा है। हाँ। भाई है। अच्छा, दो भाई, एक बहन एक भाई है। हाँ। बड़ा वाला असम रेफल में है। अच्छा। हाँ, दो बहन का शादी हुई क्या? हाँ। बस। अच्छा, तो आपने आपने नहीं करी शादी? ना, शादी हुआ था। हाँ। छोड़ दे। अच्छा, तो बच्चे भी थे? ना। अच्छा। वो जल्दी छूट गया ना। हाँ। घबला हो गया उन्हें समझी समझी को। अच्छा अच्छा, तब छुटा दिया उन्होंने। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, तो कब तक का विचार है आपका, कब तक आप अपने गांव जाएंगे, या फिर आप कोई मदद चाहते होंगे सरकार से तो आप वो भी बताइए। अब मैं सोच रहा हूँ कि आप थोड़ा बहुत खर्चा हो गया तो चली जाऊँगा, अगर ये सोच रहा हूँ। अच्छा अच्छा, करेगा 8-10 हज़ार रुपये कहीं कमाए के हो गया तो। अच्छा, जाने का विचार था मेरा। अच्छा अच्छा, 8-10 हज़ार अगर आपको मिल जाए। हाँ, किराया ज़्यादा लगता है ना। हाँ, हाँ, तो ट्रेन से जाएंगे रामनगर से, ट्रेन से जाएंगे मुरादाबाद से? हाँ ना, ये लखनऊ होगी जाता। हाँ, तो रामनगर से ये पहले आपको मुरादाबाद जाना पड़ेगा, वहाँ से फिर लखनऊ के लिए ट्रेन। हाँ, यहाँ से ये क्या बोलते हैं, इधर से भी जाते हैं ये हल्द्वानी या कोटद्वार? कोटद्वार से भी अच्छा, जाते हैं। हाँ, नजीमाबाद से आपको मिल जाएगी। हाँ जी। हाँ। अच्छा अच्छा, कोटद्वार से भी जाते हैं। हाँ। यहाँ से भी जाते हैं। हाँ जी, रामनगर से भी। अच्छा अच्छा, तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। तो दोस्तों, अभी हमने बात करी कमल सिंह थापा उर्फ मामू जी से। तो दोस्तों, उनका कहना है वो काफ़ी टाइम से यहाँ पर थे, 20 साल की उम्र में यहाँ आ चुके थे। सबसे पहले उन्होंने उत्तरकाशी में काम किया, उसके बाद उन्होंने पौड़ी गढ़वाल में आकर यहाँ पर मजदूरी का काम करना शुरू किया, और 20 साल की उम्र से अभी इनको लगभग 60 साल की उम्र इनकी हो चुकी होगी, और तब से अभी तक यहाँ पर काम कर रही हैं। इन्होंने काफ़ी मकानों में यहाँ पर काम किया, हमारे गांव के हर मकान में लगभग इन्होंने काम किया, और ये इनकी इच्छा है, इनकी सरकार से ये कहना चाहते हैं कि ये अपने गांव जाना चाहते हैं और अपने गांव अपने घर वालों से मिलना चाहते हैं। तो सरकार से यही निवेदन है कि इनको हर संभव मदद देने की कृपा करें। और दोस्तों, मिलते हैं जल्दी ऐसी ही कुछ नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।